दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव। आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। तो आज का हमारा वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं है, दरअसल आज ये हमारा एक ब्लॉग वीडियो है। हम जाने वाले हैं रुद्रपुर, उत्तराखंड के रुद्रपुर से नैनीताल। तो चलते हैं नैनीताल। आई होप यू आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो ये ब्लॉग वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्लान है नैनीताल घूमने जाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी नैनीताल की यात्रा दिखा दूँ। तो चलते हैं नैनीताल हमारे साथ। तो हम निकल चुके हैं अपने रूम से और यहाँ से हम जाएंगे टुक टुक में। और आप देख सकते हैं टुक टुक से हम जा रहे हैं अपने रूम से रोडवेज, और ये है रुद्रपुर का रोडवेज बस स्टैंड। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम, थोड़ा शॉर्ट में ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रोडवेज बस स्टैंड। ये है रुद्रपुर से हल्द्वानी के बीच का मार्ग, टांडा जंगल जो कि टांडा रेंज है। अभी आप देख सकते हैं हल्द्वानी बस स्टैंड हम पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी बस स्टैंड का आप सीन देख सकते हैं बाहर। अभी हल्द्वानी से नैनीताल के बीच का ये रास्ता, ये काठगोदाम का एरिया है जो सीन हम दिखा रहे हैं। काठगोदाम से थोड़ा आगे निकलने पे पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं और जहाँ से सीन कुछ बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में हम आपको सीन दिखा रहे हैं। काठगोदाम से आगे निकलने के बाद कुछ इस प्रकार की रोड हमें दिखाई देती हैं। हालांकि हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, उत्तराखंड रोडवेज की बस से ट्रैवल कर रहे हैं, पर्सनल गाड़ी से नहीं आए हैं। बहुत ही अच्छा सीन नैनीताल के मार्ग में हमें देखने को मिल जाता है रुद्रपुर से नैनीताल के बीच। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी नैनीताल का प्लान करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली तक आप आइए। तो दिल्ली से शताब्दी चलती है जो कि डायरेक्ट काठगोदाम उतार देती है 4 घंटे में, और काठगोदाम से आपको बस मिल जाएगी नैनीताल जाने के लिए, जिसका रोडवेज का किराया 70 रुपये की समथिंग है। और अगर आप प्राइवेट गाड़ी करके आते हैं हल्द्वानी से काठगोदाम से, तो आपको जो किराया पड़ेगा वो 200 रुपये समथिंग पड़ेगा। और ये बीच में हमारी गाड़ी रुकी थी एक जगह खाना खाने के लिए। काठगोदाम से ऊपर बीच में जॉलीकोट पड़ता है, जॉलीकोट से पहले ही ये खाने के लिए रुकी थी गाड़ी, और खाना खाने के बाद गाड़ी ऊपर चल दी है और पहाड़ी पे और ऊपर चले गए हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी रोडें घुमावदार मिलेंगी, और नीचे देख सकते हैं कितना नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ से, मतलब हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। और ये हमारे बस का अंदर का सीन आप देखें। तो दिल्ली से काठगोदाम तक समथिंग 800 रुपये का टिकट रहेगा शताब्दी का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना लगेगा आपको नैनीताल आने तक। हम और ऊपर आ गए पहाड़ पे, यहाँ से जो सीन देखने को मिलता है वो बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ सीन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। शहरों में ये कहते हैं कि अगर कोई बीमार आदमी है उसे अगर ठीक करना है तो उसे दवाई देने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे पहाड़ों पर ले आओ, पहाड़ का जीवन जीने से आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो वैसा ही बिल्कुल देखने को लग रहा है। आप जब पहाड़ों पर यात्रा करने आएंगे तो आपको ये चीज़ हकीकत में देखने को मिलेगी कि पहाड़ी जीवन एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग अपनी छुट्टियों के समय पहाड़ पर ही आते हैं अपना छुट्टियां वैकेशन मनाने, एंजॉय करने फैमिली के साथ। तो ज़्यादा लंबा ना करेंगे वीडियो, अब दिखाएंगे आपको डायरेक्ट नैनीताल का। हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। ये नैनीताल का रोडवेज आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग है। बस हमारी गाड़ी लगने ही वाली है बस स्टैंड पे। देख सकते हैं नैनीताल का रोडवेज। नैनीताल में 2 बस स्टैंड हैं, ये पहले हैं और एक आगे भी बस स्टैंड है। तो ये हम पहुंच चुके हैं नैनीताल रोडवेज। रोडवेज से उतरने के बाद हम थोड़ा 2 मिनट का रास्ता पैदल चलेंगे
उसके बाद नैनीताल का जो मेन स्ट्रीट है जिसे मॉल रोड कहते हैं, मॉल रोड को आपको दिखाएंगे जो काफ़ी फेमस है मॉल रोड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं नैनीताल का जो ये दृश्य है, सामने आपको झील देखने को मिलेगी जो फेमस, जिसके नाम से नैनीताल बसा हुआ है, जिसके दो भाग हैं मल्ली ताल और तल्ली ताल। झील एक ही है बट एक साइड का हिस्सा मल्ली ताल और एक साइड का हिस्सा तल्ली ताल कहलाता है। सामने आप देख सकते हैं झील आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखें आप झील का जो व्यू है, बहुत ही शानदार और दिल को खुश कर देने वाला ये सीन है। तो जिन लोगों ने भी नैनीताल में कभी विजिट नहीं किया है तो उनसे एक बार बोलना चाहता हूँ मैं कि आप एक बार ज़रूर नैनीताल आएँ, आपको मज़ा आ जाएगा। और ऐसा लोकेशन है कि आपने ऐसा इंडिया में कहीं भी इससे अच्छा लोकेशन आपने देखा नहीं होगा। ये नैनीताल का गाइड मैप है, क्या क्या घूमने लायक चीज़ें हैं, कितना डिस्टेंस है। अब हम चलेंगे सीधा मॉल रोड स्ट्रीट पे, मेन स्ट्रीट नैनीताल का मॉल रोड, क्योंकि काफ़ी फेमस है यहाँ पे। इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर आपको देखने को मिल जाएंगे, बट अभी कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है तो इस समय फॉरेनर अभी नहीं देखने को मिले, क्योंकि फॉरेनर लोग अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री बहुत जगह अलाउ नहीं है, तो लोकल इंडियन लोग ही देखने को मिलेंगे। बट आप अदर टाइम पर आएंगे तो आपको इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर यहाँ देखने को मिलेंगे। ये मॉल रोड से आप सीन देख सकते हैं, झील का सीन, और यहाँ बोटिंग भी चल रही है। बोटिंग का मैं बताना चाहता हूँ, 160 रुपए की बोट आपको मिल जाएगी, और 160 के बाद समथिंग 250 रुपए की एक बोट मिल जाएगी। 250 रुपए में पूरा चक्कर कराते हैं और 160 रुपए में आधा चक्कर कराते हैं, हाफ लेक। मॉल रोड का जो सीन है काफ़ी अच्छा सीन है, देखने लायक सीन है। 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मॉल रोड से, आप चाहें तो रिक्शा भी कर सकते हैं, बट मॉल रोड पर अगर घूमना है तो मैक्सिमम लोग जो हैं पैदल ही चलना पसंद करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा है मॉल रोड। खूबसूरती अगर देखना है नैनीताल की तो पैदल ही चलें, नहीं तो नैनीताल में लोकल गाइड भी होते हैं जो 750 रुपये लेके 7 पॉइंट्स दिखाते हैं, टिफ़िन टॉप और रोप वे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी मेरा ये जो ब्लॉग है तो ओनली नैनीताल का ही है, हम कहीं अदर पॉइंट्स पर भी नहीं जाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों हम अभी चल रहे हैं नैनीताल में मॉल रोड पे। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है मॉल रोड पे, काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। सुविधाएं पूरी हैं, होटल्स बराबर कंटिन्यू होटल्स ही होटल्स हैं, रहने के लिए खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी हाई लेवल का बना रखा है मॉल रोड पे। तो यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी, बट महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। अगर पानी की बताशे भी अगर आप खाएंगे तो 30 रुपए के आपको 5 पीस ही मिलेंगे। और ये डोमिनोज देख सकते हैं, डोमिनोज यहाँ पे हम एक कुछ खाने के लिए आए हुए हैं। ये डोमिनोज का अंदर का सीन है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं नैनीताल का जो तिबेटन मार्केट होता है, जिसे भूटिया मार्केट भी बोलते हैं बहुत से लोग, भूटिया मार्केट। तो मॉल रोड जैसे ही ख़त्म होगी, अभी ख़त्म ही होने वाली है, उसके आगे तिबेटन मार्केट का आपको दिखाएंगे। तब तक आप ये सीन एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप चाहें तो आप बाइक भी ले सकते हैं, रेंट पे बाइक मिल जाती है, 550 से 700 रुपये तक की रेंज में मिल जाती है बाइक। Thank you.
नैनीताल झील के ऊपर जो आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, वहाँ पे हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट है, वहाँ से डायरेक्ट हिमालय तक आप देख सकते हैं, हिमालय पहाड़ वहाँ से दिखाई देता है। मॉल रोड ख़त्म हो चुकी है, सामने का जो रोड है वो नैनीताल का एक काफ़ी फेमस स्ट्रीट है। यहाँ पर मेला टाइप का पूरा लगता है, मार्केट बहुत ज़बरदस्त लगता है। हम आपको ऊपर से दिखा देते हैं, देखिए वहाँ से मॉल रोड से हम आए थे जहाँ से दिखा रहे हैं, और ये सामने स्ट्रीट है जहाँ हम जाएंगे तिब्बतन मार्केट के लिए। गुरुद्वारा है और एक मंदिर है नैना देवी का, वहाँ जाएंगे, और ये मॉल रोड सीधा निकल गया आगे। अब हम चलने वाले हैं तिब्बतन मार्केट। ये स्ट्रीट जो हमने मैंने बताया था उस स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे आपको कैंडल शॉप मिल जाएंगे जो कि नैनीताल में काफ़ी फेमस हैं। लोग नैनीताल से कैंडल लेके जाते हैं, और खाने पीने के सामान और काफ़ी सारी दुकानें लेडीज़ के लिए जो कानों के और जो भी उनके चीज़ें होती हैं उनके शॉप यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। बाजू में आपको एक मैदान दिखाई दे रहा होगा, वो एक मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट और वॉलीबॉल के कोर्ट मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अब आप देख सकते हैं गुरुद्वारा उसी स्ट्रीट पे अवेलेबल है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। काफ़ी ब्यूटीफुल गुरुद्वारा है ये, सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पे भारी तादाद में आते हैं। और इसके ही थोड़ा सा आगे चलने पे आपको एक मंदिर दिखेगा, नैना देवी का मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। नैनीताल के ही नाम से मंदिर का भी नाम है नैना देवी। ये सामने तिब्बतन मार्केट है, और ये बाजू में जहाँ दुकान देख रहे हैं कपड़े की दुकान, इनके बाजू में नैना देवी का मंदिर भी है। और आप देख सकते हैं तिब्बतन मार्केट एकदम पहाड़ी के नीचे है, कितना अच्छा सीन देखने को लग रहा है। और हम ये मंदिर में एंटर कर चुके हैं, श्री नैना देवी मंदिर। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है, नैनीताल के झील के पास ही मौजूद है। सामने श्री हनुमान जी का मूर्ति विराजमान है। आप अगर नैनीताल विज़िट करते हैं तो ये मंदिर को एक्सप्लोर करना ना भूलें, नैना देवी जी का मंदिर है ये। और आप देख सकते हैं उस ग्राउंड का जिक्र जो हमने किया था पहले, अभी यहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, सामने एक मस्जिद है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉल रोड पे हम रिक्शे से ट्रेवल कर रहे हैं, तो मॉल रोड पे एक पॉइंट से रोडवेज तक जाने के लिए 10 रुपये का टिकट कूपन काउंटर पे लेना पड़ता है टिकट, तो वो टिकट हमने लिया और अब हम रिक्शे की सवारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी इंजॉयफुल राइड रही है, काफ़ी सालों बाद रिक्शे पे बैठने को मिला है, बहुत ही अच्छा लगा। नैनीताल का जो टूर रहा है मेरा बहुत अच्छा रहा है। आई होप यू गाइज, आप लोगों को अगर ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी टेक्निकल वीडियोस तो हम बनाते ही हैं, कभी कभी इस प्रकार के वीडियो भी आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे साथ, बस बने रहें। अब आप मॉल रोड का पूरा स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, और इन्जॉय करिए इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं नैनीताल के कुछ अच्छे सीन, तो आप इन सीन को देखें, एंजॉय करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।